वास्तव में देखा जाए जो एक गरीब आदमी है उसके लिए आजादी का अर्थ है गरीबी से आजादी, और जो एक अशिक्षित है उसके लिए आजादी का अर्थ है अशिक्षा से आजादी, और जो बहुजन है दलित समाज है उसके लिए आजादी का अर्थ है छुआछूत और जाति व्यवस्था से मुक्ति। अब देखा जाए कि गले में हांडी और पीछे कंडीली झाड़ू बांधकर पुराने समय से चला आ रहा वह बहुजन समाज हमेशा से आजादी से पहले से ही धिकारा जाता था, जिसे बोलने की आजादी नहीं थी, जिसके छूने और देखने मात्र से ये स्वर समाज अपने को अछूता महसूस करता था, जिसके अगर कान में अगर मंत्र पड़ जाए तो उसको खोलता तेल डाल दिया जाता था। ऐसे घोर विपत्ति घोर जघन्य जिसे जो अपराध किया जा रहा था, उस बीच 14 अप्रैल 1891 को हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। अब 15 अगस्त 1947 को हमें आज अब प्रश्न ये उठता है कि एक क्वेश्चन मन में हमेशा मेरे आता है कि क्या हम पहले आजाद थे या हम अब आजाद हैं? तो मेरा आंसर हमेशा यही रहेगा, ना हम पहले आजाद थे और ना हम अब आजाद हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी तो मिल गई, परंतु ये जो बहुजन समाज है, हम ये दलित समाज है, उसे आजादी नहीं मिली। भारत के जो निर्माता संविधान निर्माता बाबा साहब की देन है कि उन्हें संविधान का निर्माण किया और हमें कुछ अधिकार दिए कि हमें पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला, हमें शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार मिला और हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला। पहली बार सत्ता में भी हमें अधिकार दिया गया। लेकिन आज स्वतंत्रता के 70 साल बाद अगर हम देखें कि जहां देश के सर्वोच्च आसन पर विराजमान हमारे जो जिनका नाम लेना चाहूंगी जो हमारे राष्ट्रपति है, क्या उन्हें नहीं पता कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है? अब इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद भी अगर वो भूख बैठे हुए हैं, तो 2015 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसमें जो दलितों पर जो अत्याचार हुआ है 8357 के करीब उन पे अत्याचार हुए, और 2016 तक आते आते वही आंकड़े 10426 में तब्दील हो गए। तो हमारे लिए किस चीज़ की आज़ादी मिली? हमारे पर तो अत्याचार कम नहीं हुआ, ये अत्याचार बढ़ता ही चला है। और हम देखें तो हमें हमारा जो क्या नाम है, ये इतना कम तबका होने के बाद भी हमारे पर ये राज करता है, और क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास एजुकेशन है, इनके पास सत्ता है, इनके पास सत्ता है, एजुकेशन है, इनके पास रोजगार है, सभी साधन तो इनके पास हैं। हम लोगों के पास ना शिक्षा है, ना हमारे पास रोजगार है, ना भूमि है, ना हमारे पास एजुकेशन है, और हम लोग अगर बोलना भी चाहें तो उस पर भी इनको आपत्ति होती है। इसी जघन्य अपराध को देखते हुए जब हमारा जो क्या नाम है दलित समाज 2 अप्रैल को जब इन्होंने एक बहुत बड़ा जो हमारे साथ एक अत्याचार किया गया, जिसे कहते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं, मेरे हिसाब से तो परिस्थितियां बदल नहीं गई हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप में सुरक्षा कवच के रूप में भारत हमें सुरक्षा कवच के रूप में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट दिया गया था, जिसमें 20 मार्च को एक बदलाव कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जो जातिवादी मानसिकता से पीड़ित थे उन्होंने उसमें बदलाव कर इसको पूरी तरह से कमजोर कर दिया। परंतु हमारा जो ये समाज था काफी समय से पीड़ित था, और उसके मन में चिंगारी फूट रही थी कि बहुत समय से हम इसको सह रहे हैं, लेकिन ये अब नहीं सहेंगे। और 2 अप्रैल को जो क्रांति हुई कि भारत का हर तबका जो चाहे दलित का छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था वो एक हो गया, और ऐसा आंदोलन हुआ कि जिसका सत्ता पर बैठे हुए जो राजनीतिक लोग हैं उसकी सत्ता हिल गई। उन्होंने देखा कि जब एक अम्बेडकर जी जिन्होंने पूरे विश्व में डंका बजा दिया, अगर हजारों अम्बेडकर पैदा हो गए तो क्या होगा, तो उन्होंने क्या करा, हमारे जो साथी हैं चंद्रशेखर भाई जैसे और अनेकों हमारे साथी हैं उन्हें रासुका लगा के उनके आरोप लगा के उन्हें जेलों में बंद कर दिया, जो आज भी कालकोठरी झेल रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे साथ तो नासाफी होती ही जा रही है, और इसका सोल्यूशन आखिर क्या है, क्योंकि इसका सोल्यूशन हमारा सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, और जब तक हम क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे की गई, क्योंकि
कभी उनका तख्ता नहीं पलट सकते। तो मेरा तो यही कहना है, यही अंत में कहना चाहूंगी कि जो छोटी छोटी जातियों में जो आप लोग बटे हुए हो उसको तोड़ो और संगठित हो जाओ। जब तक आप संगठित नहीं रहोगे तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अंत में मेरी कुछ पंक्तियां हैं। तालियां नहीं दी जाती परिंदों को, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, वो परवाह नहीं करते जमीन के गिरने।